डाटा या ग्राफ के प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी में 5, किसी में 10, किसी में इससे ज्यादा भी प्रश्न रहते हैं। तो हमें इन प्रश्नों में काफी टाइम भी लग जाता है क्योंकि इसमें डाटा दिया हुआ होता है। तो हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि डाटा या ग्राफ के प्रश्नों में भी क्या ट्रिक लग सकता है, और अगर लग सकता है तो कहाँ कहाँ ट्रिक लग सकता है, और किस अप्रोच से हम इसे फास्ट बना सकते हैं, क्योंकि समय बचाना बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि डाटा या ग्राफ के प्रश्नों में किस प्रकार से ट्रिक का प्रयोग करें। डाटा इंटरप्रिटेशन में हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में डाटा रिलेटेड क्वेश्चंस का। तो डाटा रिलेटेड देखिए क्वेश्चन है जिसमें कि कुछ नई चीज़ भी सीखेंगे और किस तरह से कहाँ पे हम स्टेप थोड़ा घटा सकते हैं और कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए 2000-2001 में एक कंपनी की 6 शाखाएँ B1, B2, B3, B4, B6 की जो है पुस्तकों की छपाई दी हुई है कि इतने हजार संख्या में पुस्तकें इसने छापी है। जैसे पहले डाटा रिलेशन में देख सकते हैं हम कि सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि डाटा किस बारे में है, इसमें थोड़ा टाइम पहले दे दीजिए तो बाकी का काम आसान हो जाता है, और इसको अच्छे से समझ लीजिए इस वीडियो में। तो इसमें देखिए एक कंपनी की B1, जैसे मान लेते हैं कि B1 कंपनी है, तो B1 शाखा है एक कंपनी की, तो B1 शाखा में कितने 2000, ये ब्लू वाला 2001 का है, देखिए 2001 में 80,000 इसने पुस्तक छापे, 105,000 की संख्या है, यानी कि 105,000 यानी कि 105,000 इसने छापे। उसी तरह से हम देख सकते हैं कि B2 में इसने देखिए 75 है 2000 में और 2001 में 65 है, इसी तरह सब डाटा दिया हुआ है। अब इसके प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है इसमें देखिए, पहला प्रश्न है इसमें कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल, दोनों वर्षों के लिए शाखा बी की कुल बिक्री, देखिए दोनों वर्षों के लिए शाखा B4 की कुल बिक्री का क्या अनुपात है। तो ठीक है, B2 का और B4 का अनुपात हमें निकालना है, B2 और B4 का दोनों वर्षों के लिए कितना बिक्री इसने किया है। तो हम उसी पर चलते हैं, देखिए वहीं पर चलते हैं हम जहाँ पे ग्राफ है हमारा, तो B2 B4 का निकल जाएगा। देखिए तो हमें क्या निकालना है, देखिए एक सेकेंड, हाँ हमें क्या निकालना है, देखिए B2 और B4, देखिए इसी का हमें अनुपात निकालना है। तो B2 में देखिए कितना है, 75-65 कितना हो गया, 70 और 60, 130 और ये 40, तो ये 40 हो गया 140, तो इसका मतलब है कि 140 और बटा 140 बटा B4 का देखिए कितना है, B4 का 95 और 85 है, यानी कि 90 और 80 हो गया 170 और 180। तो यहाँ पे देखिए हम लिख देंगे 180, तो देखिए 2 से कट जाएगा, तो ये 7 और इधर 9, तो हमें कितना अनुपात मिल गया, 7:9 मिल गया हमें, और यही आंसर होगा। तो हम देख सकते हैं कि पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए 7 और 9 ऑप्शन है, तो इसमें हम टिक लगा देंगे 7 और 9 में, क्लियर है। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि दोनों वर्षों के लिए शाखा B6 की
कुल बिक्री और दोनों वर्षों के लिए शाखा B3 की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है, तो B3 का की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है B6, यही हमें निकालना है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि देखिए हमने ऐसे लिखना है कि B3 B3 का X प्रतिशत, कितना प्रतिशत बोल रहा है ना B3 का, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में है B3 के कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है, तो B3 का X प्रतिशत है कितना, B6, और यहाँ पर हम लिख देंगे B6 दोनों वर्षों के लिए, ठीक है। तो अब हम उस पर चलते हैं डाटा पे, फिर तो डाटा पे देखते हैं हम कि B3 और B6 का था ना, तो B3 का कितना है देखिए 110 और 95, इसको दोनों को जोड़ेंगे, 5 इससे ले लेंगे तो ये जाएगा 205। तो यानी कि हमें ये निकालना है कि 205 का X प्रतिशत 6 कितना है, 80 और 70 150, देखिए 150। तो ये देखिए 75% से थोड़ा कम बैठेगा, क्योंकि ऐसे अंदाज से भी आप निकाल सकते हैं, 205 का देखिए 50% 100 हो गया आधा, और 25% 50 हो गया, तो 150 हो गया 200 का, पर 205 है तो 75% से थोड़ा ही कम होगा, तो वही हमें उसमें इसको समझ लीजिए एक बार कि 200 का आधा जो है देखिए 100 होता है, तो कितना हो जाएगा 200 का 50%, आधा मतलब 50% 100, और फिर उसका भी आधा 25 यानी कि 25%, तो इसका मतलब है कि 200 का आधा 100 और 100 का आधा 50, यानी 50 और 25 75% 200 का 150 बैठता है, ठीक है। लेकिन ये 205 है डाटा, तो 75% से थोड़ा कम आएगा, तो बस हमें इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें अंदाज से लिख देना है। देखिए अब यहाँ देखिए 75.55 है, इससे थोड़ा कम कौन सा है 73.17, तो हम देखिए इसी में हम 73 वाले में हम टिक लगा देंगे सी में, और यही आंसर भी होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा चौथा क्वेश्चन एक अलग वीडियो में दूंगा, क्योंकि ये अब ज़्यादा बड़ा हो रहा है वीडियो। थैंक यू। अब देखिए तीसरे प्रश्न में कहता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज सेल और B1, B2, B3, मतलब हिंदी में पढ़ते हैं, 2001 में B1, B2, B3 का औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2000 में 136, मतलब 2001 में इस दोनों का तीनों का औसत बिक्री कितना प्रतिशत है। औसत बिक्री या कुल बिक्री, अगर प्रतिशत पूछ रहा है तो ध्यान दीजिए, हम कुल बिक्री पे भी निकालेंगे तो उतना ही प्रतिशत आएगा जितना कि औसत बिक्री पे आता है, पूछिए क्यों, तो औसत बिक्री क्या है इस तीनों का जोड़ करके बटा 3 ही तो है, और ये भी इसका भी औसत इस तीनों जोड़ करके बटा 3 है, और नीचे का 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, टोटल बिक्री। इसलिए इसको टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें कि औसत बिक्री निकालें और फिर प्रतिशत निकालें, इसमें कुल बिक्री निकालें प्रतिशत निकाल दें, तो कुल बिक्री 123 का कितना आ जाएगा 2001 में, देखिए तो 2001 में 123 की कुल बिक्री कितनी है देख लीजिए, 1 की है 80, यहाँ देख लीजिए हम लोग लिख लेते हैं 80 है, और 232 की 75 है, 75 है, और 123 की पूछा था 95 है, देखिए 2001 में पूछा है, सॉरी हम 2000 को जोड़ रहे हैं, पूछा किसमें एक बार फिर देख लेते हैं ना, 2001 में पूछ रहा है, 2001 में 2001 में पूछ रहा है, तो हम 2001 का ले लेंगे, 1, 2, 3 का 2001 का, तो 2001 का ले लेते हैं 1, 2, 3 का, देखिए तो थोड़ा सा इसको
इधर कर लिए, यहीं पे कर लेते हैं। तो देखिए 2001 में 1, 2, 3 105 है, देखिए 105, 65 यहीं पे जोड़ लेते हैं, 170, 170 और 110, तो 280 हो गया, 280 हो गया। उसके बाद कहता है कि का कितना प्रतिशत 2000 में, का कितना प्रतिशत 2000 में, 1, 3, 6 तो का यहां पे लिख देते हैं का x प्रतिशत 2000 में कितना, 1, 3, 6, 1, 3, 6 का निकाल लेंगे। तो 2000 में 1, 3, 6 कितना है, देखिए 80, तीसरा का 95, 80 95 कितना होगा 175, 175 और 6 का कितना है देखिए 70, 175 और 70, 175 और 70 कितना जाएगा 245। यानी पूछ रहा है कि 280 का कितना प्रतिशत 245 है, बस यही निकालना है। तो इसको इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है इसका निकालने का, कि 280 का देखिए अगर हम 280 में 80 से 80 और 45 का से डिफरेंस हम निकाल लेते हैं तो कितना आ जाता है 35, देखिए 35 आ जाता है। और 35 हम देख लेते हैं कि 28 का कितना प्रतिशत है 280 का, बस इसी से हम निकल जाएगा। और 35 घटा देंगे 280 का 10%, देखिए 28 हो गया है ना। और 28 में कितना जोड़ना है अब जो 35 आ जाए, 7, तो 2% 2% और लगा लीजिए क्योंकि 2.8 और 2.3 ही मान लीजिए, तो 6, 28 प्लस 6 34 आ गया है ना। यानी कि 280 का 12% समझिए कि ये 35 है, और ये 12% घट गया तो कितना बचा ये 245, 88% के आसपास बचेगा। तो 88% हम इसका आंसर लिख देंगे, उसी के आसपास होगा आंसर। देखिए तीसरे का देखिए 87.5%, तो इसका डी आंसर होगा, 87.5 देखिए यही इसका आंसर होगा डी। आप निकाल के देख लीजिए एग्जैक्ट यही आएगा 87.5%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा कहते हैं वर्ष 2000 के लिए सभी शाखाओं की औसत बिक्री क्या है। अब देखिए औसत बिक्री पूछ रहा है वर्ष 2000 के लिए। अब यहाँ भी देखिए ट्रिक लगाएंगे, कैसे लगाएंगे वो देखना है, ध्यान से देखिएगा। चौथे का यानी कि सबको जोड़ के करना है, चौथे में सभी का औसत निकालना है 2000 के लिए। तो हमें क्या करना है, देखिए सन 2000 का सभी का औसत निकालना है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा इसको पहले स्क्रीन को खाली कर दें। इतने में हमारा काम हो जाएगा है ना। देखिए 2000 में सभी का औसत बिक्री का औसत निकालना है सभी के कम शाखाओं का। तो देखिए 80 75 95 85 75 और 70 ये 6 डाटा है, इसका औसत कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ करके 6 से भाग नहीं देना है, सिर्फ एक मान लेना है कोई भी कि 75 औसत है। मान लो कि हमने इसका मान लिया 75 औसत है, ठीक है सबका, और जो ज्यादा कम आएगा संख्या उसी को हमें घटाना है बस। अब देखिए हमने टोटल का मान लिया कि 75 है, ठीक है। अब टोटल का हमने 75 मान लिया, तो 75 से ये कितना ज्यादा है 80, 5 ज्यादा है, तो देखिए प्लस 5
प्लस 5 ले लिया, और 75 से ये 0 है तो इसका कोई कुछ नहीं करना है। 95 कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, तो प्लस हमने कितना ले लेंगे 20, और 75 से ये कितना ज़्यादा है 10, तो प्लस 10, और ये 75 75 समान है, ये 5 कम है तो ले जाएंगे माइनस 5 बस। अब ये 5 5 तो कट गया, प्लस माइनस कट गया, अब बच गया कितना 20 और 10 30, और 30 में बस हम 6 से भाग दे देंगे। 30 में हम क्या करेंगे, ये जो बच गया देखिए 20 और 10 यही बच गया है 30, तो इसमें हम 6 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 5, और इसी को इसमें जोड़ देंगे जो हमने पहले माना था 75, इसमें जोड़ देंगे 5, तो ये 80 हो जाएगा टोटल का औसत। इसको समझ लीजिए क्या किया, तो बहुत फास्ट कर पाएंगे। सबसे पहले क्या किया हमने, कोई बीच का एक माना और सबका डिफरेंस निकाल लिया, प्लस माइनस प्लस माइनस। ज़्यादातर में देखिए प्लस ही निकला था, लास्ट में एक माइनस निकला था, तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, और जितना भी बचा उस पर हम 6 से जरूर भाग देंगे, उसी को जोड़ देंगे इसमें जो हमने माना था 75, तो कितना आ गया 80। तो देखिए चौथा चौथा क्वेश्चन जो था उसमें देखिए 80, तो यहाँ पे देखिए 80 ऑप्शन में हम टिक मार देंगे और यही आंसर सही होगा। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन में कहता है देखिए कि दोनों वर्षों में के लिए एक साथ शाखाओं में B1 B3 B5 की कुल बिक्री है, दोनों वर्षों का कुल बिक्री निकालना है 135 का, तो सबको जोड़ देंगे और उसमें कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ देंगे 135 का बस, सबको जोड़ना पड़ेगा 1, तो ये कितना आ गया 185 आ गया। वन का 150, 135 का ही जोड़ना है, और 3 का 95 और 110 तो ये आ गया 205, तो यहाँ 205 लिख देंगे है ना, और 5 का देख लेंगे 75 और 95 170, तो यहाँ लिख देंगे 170, और इसको जोड़ देंगे बस, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बराबर जोड़ करके हो जाएगा 5 5 10 0, और ये 8 7 15 1 16, 1 1 2 2 4 1 5, 560। तो इसका आंसर देखिए पांचवें क्वेश्चन का आंसर 560 आ रहा है, 560 देखिए ऑप्शन में है डी, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है इसमें कहाँ कहाँ ट्रिक का इस्तेमाल हुआ, कहाँ कहाँ हम फास्ट बनाए, और कहाँ कहाँ अप्रोच कैसा रहा, आपको पता चल गया होगा। तो इस तरह से आप इसको फास्ट बना सकते हैं। धन्यवाद।